Hello friend, hi, this is your guide. Today we are going to discuss about InsideIS InstaPT 2020 exclusive, and subject is about environment May 2019 to February 2020. So environment के बारे में हम यहाँ पे discuss करेंगे. ये बहुत bilingual language में रहेगा, English एंड हिंदी. So यहाँ पे हम one by one topic discuss करेंगे. ये इनका प्रीलिम्स के लिए इन्होंने एक्सक्लूसिव मैगजीन निकाली है इंस्टापीटी करके 2020 के लिए. और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में यहाँ पे कुछ इन्होंने कंटेंट दिया है. यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव है, उसके बाद में एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में है, उसके बाद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, स्पीसीज डिस्कवरीज साइट एंड स्पीसीज एक्सटिंक्ट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में टॉपिक दिया है. उसके अंडर में बहुत सारे पॉइंट्स मतलब टॉपिक्स हैं, इवेंट्स एंड सेलिब्रेशन, एंड उसके बाद में रिपोर्ट एंड रिलीजेस, एक मिनट, या एंड उसके बाद में इंटरनेशनल एफर्ट्स हैं. ये सभी टॉपिक हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, डिजास्टर एंड मैनेजमेंट है, मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे. सो हम आज यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव. उसके अंडर बहुत सारे स्कीम्स दिए हैं, और यहाँ पे हम 19 टॉपिक्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव के बारे में. ये पार्ट वन रहेगा, और उसके बाद में अलग अलग पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री वगैरह आएंगे. उसकी प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा. सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. UPSC परसिवरेंस करके मेरा चैनल है. सो फर्स्ट यहाँ पे स्कीम करते हैं ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में. यहाँ पे एक मिनट में थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके. हाँ राइट. सो फर्स्ट है ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में. ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूव किया था द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्रीन क्रेडिट स्कीम की फीचर्स दिए यहाँ पे. इट अलाउज फॉरेस्ट टू बी ट्रेडेड एज अ कमोडिटी. फॉरेस्ट को एक कमोडिटी डिक्लेयर किया है यहाँ पे, ट्रेड एज अ कमोडिटी. एंड इट अलाउज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू आउटसोर्स वन ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिफॉरेस्टिंग टू नॉन गवर्नमेंट एजेंसी. और इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा इसका वाला यहाँ पे दिया है इम्प्लीमेंटेशन. सो चार पॉइंट्स दिए हैं. द स्कीम अलाउज एजेंसी, दे कुड बी प्राइवेट कंपनीज, विलेज फॉरेस्ट कम्युनिटीज, टू आइडेंटिफाई लैंड, बिगिन ग्रोविंग प्लांटेशन. आफ्टर 3 years दे वुड बी एलिजिबल टू बी कंसिडर एज अ कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्ट लैंड इफ दे मेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्राइटेरिया. एन इंडस्ट्री नीडिंग फॉरेस्ट लास्ट कुड नॉट देन अप्रोच द एजेंसी, पे इट फॉर द पार्सल्स फॉर सच फॉरेस्टेड लैंड, एंड दिस वुड देन बी ट्रांसफॉर्म इन टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड बी रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट लैंड. सॉरी. उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ है, पार्टिसिपेटिंग एजेंसी विल बी फ्री टू ट्रेड इट्स एसेट दैट इज plantation in parcels with project proponents who need forest land. अभी करंट में क्या सिनारियो है इसका. इंडस्ट्री नीड टू मेक गुड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट बाय फाइंडिंग अप्रोप्रिएट नॉन फॉरेस्ट लैंड इक्वल टू विच वुड बी रेस्ड. मतलब अभी अप्रोप्रिएट नॉन फॉरेस्ट लैंड नहीं है हमारे गवर्नमेंट के पास में और इंडस्ट्री के पास में, उन्हें ज़रूरत है. इट आल्सो मस्ट पे द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द करंट इकोनॉमिक इक्विवेलेंट कॉल्ड एज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट लैंड. इट इज़ देन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो अप्रोप्रिएट वेजिटेशन दैट ओवर टाइम वुड ग्रो इन टू फॉरेस्ट. कुछ बैकग्राउंड में यहाँ पे दिया है इन्होंने. 2015 में ग्रीन क्रेडिट स्कीम भी हुआ था फॉर डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड विद द पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन वॉज रिकमेंडेड. बट ये यहाँ पे गवर्नमेंट ने, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने अप्रूव नहीं किया था, फाइनल अथॉरिटी इसको नहीं दी गई थी. कुछ बेनिफिट्स हैं इस स्कीम के यहाँ पे दिए हैं. सच स्कीम विल बी एनकरेज प्लांटेशन बाय इंडिविजुअल्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया एंड विल हेल्प इन मीटिंग इंटरनेशनल कमिटमेंट्स सच एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस. उसके बाद में हम यहाँ पे नमामि गंगे, ये हमारा सेकंड टॉपिक है यहाँ इसके पढ़ते हैं. अम्ब्रेला स्कीम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है, विच इंटीग्रेट्स प्रीवियस एंड करंटली आउट ऑन गोइंग इनिशिएटिव विद द मोर कॉम्प्रेंसिव एंड बेटर कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशंस. ये इंप्लीमेंट कौन करता है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG एंड इट्स स्टेट काउंटर पार्ट्स स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप्स है.
नेशनल गंगा काउंसिल के बारे में दिया है यहाँ पे, एनजीसी के बारे में। ये 2016 अक्टूबर 2016 में किया था, अंडर द रिवर गंगा रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डर 2016। ये डिसॉल्व किया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को। इसे हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। और एनसीजी वुड हैव द हैव ऑन बोर्ड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फाइव गंगा बेसिन स्टेट। जो गंगा रिवर बेसिन का जो ये है एरिया है, उसमें जो भी स्टेट आते हैं वो उसके उन सभी चीफ मिनिस्टर को इसमें इंक्लूड किया है एनजीसी में। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिसाइड सेवरल यूनियन मिनिस्टर एंड इट वॉज सपोज टू मीट वंस एवरी ईयर। एक साल में एक बार ये मिलते हैं। मेन पिलर्स ऑफ द नमामि गंगे प्रोग्राम्स क्या हैं दिए यहाँ पे? सीवेज एंड ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर सरप्लस क्लीनिंग, अफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मॉनिटरिंग एंड रिवर फंड डेवलपमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, पब्लिक अवेयरनेस है, गंगा ग्राम्स है, जिसके मेन पिलर्स हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के। थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम यहाँ पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल फॉर द एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स के बारे में दिया है यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ये डिसाइड करता है। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कोल माइनिंग इन द कंट्री एंड एड्रेस द एनवायरमेंटल कंसर्न ड्यूरिंग द डीकमिशनिंग ऑफ और क्लोजर ऑफ द माइंस। रोल्स एंड फंक्शंस क्या है इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के? एडवाइज, मेंटर, प्लान एंड मॉनिटर द मिटिगेशन मेजर्स टेकन बाय द कोल कंपनीज एंड मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन सस्टेनेबल वे। एक्ट एज अ नोडल पॉइंट एट मिनिस्ट्री ऑफ कोल लेवल इन दिस मैटर। फॉर्मुलेट द फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द एनवायरमेंटल मिटिगेशन मेजर्स इंक्लूडिंग द माइंस क्लोजर फंड। सो इसके रोल्स एंड फंक्शन है। इसके बाद में हम फोर्थ टॉपिक में आते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारा यहाँ पे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन है, राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ सॉट चेंजेस इन द नॉर्म्स ऑफ फॉर द सेंट्रल असिस्टेंट फॉर द जल जीवन मिशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट। राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कुछ चेंजेस करने का यहाँ पे विचार किया है, क्योंकि उनको फाइनेंशियल बर्डन हो रहा था उनके स्टेट के लिए। एट प्रेजेंट द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज 90-10 है फॉर हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो है ना। सो यहाँ पे ऐसा इस रीजन में 90-10 है हिमालयन रीजन, और नॉर्थ ईस्ट में कितना है 100% है फॉर द यूटीज एंड 50-50 रेस्ट ऑफ द स्टेट। रेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए 50-50 है यहाँ पे, ये कंट्रीब्यूशन है। अबाउट जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के बारे में यहाँ पे दिया है। जल द मिशन वॉज अनाउंस इन ऑगस्ट 2019 में हुआ था ये अनाउंस। और चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज़ टू प्रोवाइड द पाइप वाटर सप्लाई हर घर जल टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। हर घर में जो पानी जाना चाहिए 2024 इसका टारगेट है, थ्रू पाइप वाटर सिस्टम, मतलब पाइप वाटर थ्रू जाना चाहिए। की फीचर्स क्या है इसका एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये डायग्राम में जाते हैं, इमेज में, पिक्चर में जाते हैं हम यहाँ पे। इट एम्स टू क्रिएट लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड वाटर फॉर रीयूज इन एग्रीकल्चर। द जल जीवन मिशन इज सेट टू बी बेस्ड ऑन वेरियस वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स लाइक पॉइंट रिचार्ज, डिसिल्टिंग ऑफ माइनर इरीगेशन टैंक्स, यूज ऑफ ग्राउंड, यूज ऑफ ग्रे वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी। द जल जीवन मिशन विल कवरेज विद द अदर सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल वाटर सप्लाई मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे एक ये डायग्राम दिया है, मतलब इमेज दी है जल जीवन मिशन के बारे में। पाइप वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड बाई 2024 यहाँ पे दिया है। इंटीग्रेटेड डिमांड एंड सप्लाई साइड मैनेजमेंट वाटर एट द लोकल लेवल विल कवरेज विद द अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स। क्रिएशन ऑफ द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड एंड वेस्ट वाटर फॉर द रीयूज इन एग्रीकल्चर। सो ये आप अपने मेन्स आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो, जो इसके इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन आ गया मेंस में, सो ये कोट कर सकते हो आप। उसके बाद में फिफ्थ टॉपिक में जाते हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा यहाँ पे नेशनल वाटर पॉलिसी NWP। गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया है यहाँ पे कमिटी टू ड्राफ्ट न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी NWP। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 का था, सो वहाँ 2012 का पढ़ते हैं हम यहाँ पे।
NWP currently in the force was drafted in 2012 and is the third such policy since 1987 के बाद में ये third policy थी. Among the major policy innovation in 2012, the policy was the concept of an integrated water resource management approach that took the river basin and sub basin as a unit for planning, development, management and of water resources. Minimum level क्या है इसका. It also proposed that the portion of the river flows out to be kept side to meet ecological needs. Such an approach led to the government in 2018 requiring the minimal water levels to be maintained in the Ganga all through the years. The hydropower project therefore they refrained from the holding water beyond a point. The policy also stressed for the minimum capacity for the minimum quality of potable water for the essential health and hygiene to all its citizens to be made available within easy reach of household. यहाँ पे noted that inter basin transfer of the water should be considered on the basis of merit of each case after evaluating environmental, economic and social impacts of the such transfers. So उसके बाद में सिक्स टॉपिक पे आते हैं हम. यहाँ पे ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया ये न्यूज़ में था. यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे देख सकते हो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वगैरह साइड में, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में यहाँ पे लोकेट है. और ये प्रपोज वॉल का लंबाई था, यहाँ पे लेंथ था 1400 किलोमीटर लॉन्ग था एंड 5 किलोमीटर वाइड. ग्रीन बेल्ट फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली, गुजरात से दिल्ली है हरियाणा बॉर्डर ऑन द लाइन्स ऑफ द ग्रेट ग्रीन वॉल रनिंग थ्रू द विड्थ ऑफ द अफ्रीका फ्रॉम डकार सेनेगल टू जिबूटी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड डिजर्टिफिकेशन. ये मतलब अफ्रीका में जो डकार सेनेगल से लेकर जिबूटी में है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड डिजर्टिफिकेशन. वहाँ पे मतलब ज़मीन का ये हो जाता है ना जहाँ पे प्लांट वगैरह ग्रो नहीं होते, इसलिए ये प्रपोज किया है यहाँ पे ग्रीन वॉल इंडिया उसी बेसिस पे यहाँ पे. सो शील्ड अगेंस्ट डिजर्ट मतलब जहाँ पे डिजर्ट वगैरह हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, प्लांट्स ग्रो नहीं होते, सो ऐसी जगह पे यहाँ पे ये गवर्नमेंट ने ये प्रपोज रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे पोरबंदर टू पानीपत कवरिंग एंटायर अरावली रेंज, अरावली भी है यहाँ पे आप देख, आपको बताऊँगा अरावली रेंजेस हैं रायसेना हिल तक, राष्ट्रपति भवन तक. ग्रीन वॉल विल एक्ट एज अ बैरियर टू डस्ट फ्रॉम वेस्ट टू चेक ईस्टवर्ड मार्च of the thar desert. It will check desertification by restoring degraded land through massive afforestation. Project 8 to get formal node details to be worked out. मतलब अभी होने का है ये डिसाइड. इसके बाद में पढ़ते हैं हम ये लीगसी प्रोग्राम इन इंडिया एफर्ट्स टू डील विद द लैंड डिग्रेडेशन एंड ईस्टवर्ड मार्च ऑफ द थार डिजर्ट है. इंडिया सिक रेप्लीकेट द आइडिया नेशनल प्रायोरिटी अंडर इट्स गोल टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द डिग्रेडेड लैंड बाई 2030. सो ये गवर्नमेंट का कुछ गोल है यहाँ पे दिया है. इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन, ये 7th टॉपिक है हमारा. इज़ वन ऑफ द 8 मिशन लॉन्च अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC. और ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था यहाँ पे फरवरी 2014 को. इसका एम है प्रोटेक्ट रिस्टोरिंग एनहांसिंग इंडियाज डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ अडाप्टेशन एंड मिटिगेशन मेजर. ऑब्जेक्टिव दिए यहाँ पे ऑफ द मिशन के, इस जो ग्रीन इंडिया मिशन है, टू प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड एनहांस इंडियाज फॉलिंग फॉरेस्ट कवर, मतलब जो हमारा फॉरेस्ट कवर जो कम हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, रिस्टोर करना है और एनहांस करना है, बढ़ाना है. टू रिस्पॉन्ड टू क्लाइमेट चेंज थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ अडाप्टेशन एज वेल एज मिटिगेशन मेजर्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनकम. उसके बाद में टू एनहांस एनुअल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाई 50 to 60 million टन्स इन द ईयर 2020. और इसका गोल है टू इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड इकोसिस्टम सर्विसेज फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट इंक्लूडिंग मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट डिग्रेडेड ग्रासलैंड एंड वेटलैंड 5 मीटर हेक्टर. इको रिस्टोरेशन अफॉरेस्टेशन ऑफ स्क्रब शिफ्टिंग कल्टिवेशन एरियाज कोल्ड डिजर्ट मैंग्रोव रवाइंस एंड अबंडन माइनिंग एरिया. इम्प्रूव इन द फॉरेस्ट रिकवर इन अर्बन पेरी अर्बन लैंड्स इम्प्रूवमेंट इन द फॉरेस्ट्री कवर ऑन मार्जिनल एग्रीकल्चर लैंड फॉलोज एंड नॉन फॉरेस्ट लैंड अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट एरियाज बाई द कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन. अडेप्टेशन ऑफ द इम्प्रूव फ्यूल वुड्स यूज इफिशियंसी एंड अल्टरनेटिव
एनर्जी डिवाइसेस प्रोजेक्ट एरिया हाउस होल्ड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड ऑफ अबाउट 3 मिलियन हाउस होल्ड लिविंग इन द अराउंड फॉरेस्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम, यहाँ पे सॉरी ऑप्शन 8 पे आते हैं। 8 टॉपिक जो हमारा है, केरला बैन ऑन CFL एंड फिलामेंट बल्ब फ्रॉम नवंबर 2020। केरला ने बैन किया CFL और जो फिलामेंट बल्ब होते हैं नवंबर 2020 से। समटाइम्स क्या होता है कि ये डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट्स वगैरह जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन सप्लीमेंट्री नोट्स दिए होते हैं या फिर एक्स्ट्रा न्यूज़ जो दी होती है, ये आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में ये कोट कर सकते हो। आपको ये जो फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, आप मेंस आंसर राइटिंग के लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं और प्रीलिम्स के लिए यूज़फुल तो है ही है मैगजीन। सो केरला ने बैन इम्पोज किया था सेल ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प एंड इनकंडेंसेंट फिलामेंट बल्ब स्टार्टिंग नवंबर दिस ईयर। दिस इज इन द लाइन विद द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट फिलामेंट फ्री केरला। ये 2018 में हुआ था एज अ पार्ट ऑफ स्टेट ऊर्जा केरला मिशन। उसी बेसिस पे यहाँ पे केरला ने बैन किया है। की डिफरेंस बिटवीन द LED एंड CFL के बारे में यहाँ पे आपको कभी पूछा जा सकता है, मेजर डिफरेंस क्या है CFL एंड LED के बीच में। CFL द इमिशन ऑफ द लाइट इज बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द मर्क्यूरी वेपर। मर्क्यूरी वेपर व्हेन आयोनाइज प्रोड्यूसेस अल्ट्रावायलेट रेज। दीज रेज व्हेन कोलाइड्स विद द फॉस्फरस कोटिंग ट्यूब्स जनरेट्स विजिबल लाइट। वेयर एज LED क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द PN जंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, इमिशन ऑफ द लाइट इज बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द मर्क्यूरी वेपर होता है। यहाँ पे PN जंक्शन डायोड का ये होता है, यूज़ होता है। व्हेन द फॉरवर्ड करंट अप्लाइज अक्रॉस द डायोड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर टेक्स प्लेस। दिस चार्ज कैरियर गिव्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड डायोड। रैशनल बिहाइंड बैन, इसका क्या मतलब इन्होंने ये दिया है, आपको रीज़न क्या दिया है बैन करने के पीछे। CFL यूजेस मर्क्यूरी वेपर विच इज़ डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट के लिए डेंजरस होता है लिविंग बींग्स। ऑल्सो इट रिक्वायर्स एडिशनल कंपोनेंट लाइक बलास्ट, टंगस्टन कोटेड विद द बैरियम एट्सेट्रा विच इंक्रीजेस देयर कॉस्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ द LED इज ईजियर दैन CFL। सो LED का जल्दी उसे ख़त्म कर सकते हैं बिकॉज LED डज नॉट हैव एनी हार्मफुल मेटल विद विच फॉलोड्स द एनवायरमेंट एंड ब्राइटनेस ऑफ द LED इज मोर एज कम्पेयर टू CFL बिकॉज LED emits lights only in one direction. LED is better than CFL in every aspect. LED saves up to 80% of the electricity bill even though their cost is very low. Less, it is recyclable, their brightness remains same even after using it for a long time. So LED के बारे में यहाँ पर कुछ बताया है कि उसका मतलब कम कॉस्ट लगती है और रिसाइकल भी जल्दी होता है, ब्राइटनेस भी रिमेंस मतलब रहती है, 80% इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करता है, ये LED के बारे में दिया है कंपेयर टू CFL। सो क्वेश्चन अपना पॉइंट हमारे 9 टॉपिक पे आते हैं। हमारा 9 टॉपिक है यहाँ पे प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन पीसाज। ये तमिलनाडु CM ने डिक्लेयर किया था कावेरी डेल्टा इज़ अ प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन। लॉ इन दिस रिगार्ड टू बी इनेक्टेड सून, मतलब जल्दी एक कानून यहाँ पे इनेक्ट किया जाएगा। द प्रोटेक्ट जोन विल भी इंक्लूड, यहाँ पे दिया है कुछ एरिया दिए हैं, तंजावूर, तिरुवरूर, नेगापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट, डेल्टा रिजन, त्रिची, अरियालूर, कंडलोर, पुडुकोट्टाई। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, पिसाज इज एम एट प्रोटेक्टिंग द कावेरी डेल्टा रीजन फॉर द फ्यूचर फुलफिलिंग तमिलनाडु फ्लड रिक्वायरमेंट एंड सॉरी फूड रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ डेल्टा फार्मर्स। इट इज़ रिकॉग्नाइज फार्मर्स कंसर्न अबाउट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड अकॉर्डेड प्राइमेसी टू फूड सिक्योरिटी। सो इसका सिग्निफिकेंस है। उसके बाद में जलयुक्त शिवर के बारे में यहाँ पे दिया है, सॉरी थोड़ा कोल्ड है इसलिए थोड़ा यहाँ पे जलयुक्त शिवर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये स्कैप किया है जलयुक्त शिवर फ्लैगशिप वाटर जो प्रोग्राम कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था यहाँ पे। और यहाँ पे व्हाट इज़ जलयुक्त शिवर, यहाँ पे लॉन्च हुआ था 2014 में आफ्टर महाराष्ट्र एक्सपीरियंस कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉट्स, यहाँ पे सूखा पड़ गया था। एम एट रोलिंग आउट अ मेजर दैट कुड पोटेंशियली मिटिगेट वाटर स्कार्सिटी इन द मोस्ट ड्रॉट फोन विलेजेस इन द सिस्टमैटिक मैनर। द प्रोजेक्ट टारगेटेड स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रीम लाइनिंग एग्जिस्टिंग
वाटर रिसोर्सेज लाइक कैनल्स बंड्स पॉन्ड्स बाय अरेस्टिंग मैक्सिमम द रन ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग द मानसून. वॉट नेसेसिटी दिस मतलब क्या गरज नीड हो गई पड़ी इसे स्क्रैप करने की. नियरली 52% ऑफ द स्टेट जियोग्राफिकल एरिया इज प्रोन टू ड्रॉट आइदर नेचुरली और ड्यू टू पुअर रेनफॉल. दिस इंक्लूड्स मराठवाड़ा, जो मराठवाड़ा रीजन होता है ना, सो बहुत ही वहाँ पे सूखा पड़ता है, पानी की बहुत दिक्कत जाती है, पानी रहता ही नहीं है, फार्मर सुसाइड करते हैं. सो इस रीजन को मतलब ये करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था. अभी उसे स्क्रैप करने का सोच रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट ये आ गई है, बीजेपी गवर्नमेंट चली गई है, दैट्स वाई. सो इसी आप ध्यान में रखना ये किस स्टेट से रिलेटेड है, जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र से रिलेटेड है. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICICAP के बारे में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पढ़ सकते हो. रिडक्शन कूलिंग डिमांड अक्रॉस ऑल सेक्टर 20-25% एंड रिडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेंट डिमांड 25-30% एंड रिडक्शन ऑफ कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट 25-40%. सो यहाँ पे दिया है एंड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन सर्विंग सेक्टर टेक्निकली बाय 22-23. सो ये ऑब्जेक्टिव दिए हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हो 2037-38. इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान हैज़ रिसीव्ड अप्रिशिएशन फ्रॉम द UN वर्ल्ड ओजोन डे. इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप सच डॉक्यूमेंट. गोल है स्टेट इन द ICAP रिडक्शन ऑफ द कूलिंग डिमांड, जो यहाँ पे मैंने पढ़ा है वही है. रिडक्शन इन द रेफ्रिजरेंट डिमांड है, रिडक्शन इन द ऑफ कूलिंग एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन 1 lakh सर्विसिंग सेक्टर टेक्नीशियन, रिकॉग्नाइज कूलिंग एंड रिलेटेड एरियाज. ब्रॉड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान इंक्लूड असेसमेंट मैप है, सजेस्ट इन इंटरवेंशन है, फोकस ऑन स्किलिंग डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम. ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो वन बाय वन, ये आपके मेंस के लिए आप इसे कोर्स कर सकते हो कि मतलब कि ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया सो आपके लिए यूज़फुल है ये मेंस के लिए. इसके बाद में 12th टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट प्लस 2.0. US एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID एंड इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज हैज़ लॉन्च फॉरेस्ट प्लस. ये दो USAID और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था फॉरेस्ट प्लस 2.0. ये एग्जैक्टली है क्या, फॉरेस्ट प्लस 2.0 इज़ अ 5-year प्रोग्राम है. ये 5-year प्रोग्राम है, इनिशिएटेड किया था 2018 में, दिसंबर 2018 में, दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग टूल्स एंड टेक्निक्स टू बोस्टर इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड हार्नेसिंग इकोसिस्टम सर्विसेज इन द फॉरेस्ट लैंड मैनेजमेंट. फॉरेस्ट प्लस 2.0 कंप्राइजेस पायलट प्रोजेक्ट इन 3 लैंडस्केप, गया इन बिहार, तिरुवनंतपुरम इन केरला, मेडक इन तेलंगाना. द चॉइसेस ऑफ दिस साइट्स आर वॉज ड्रिवन बाय द कॉन्ट्रास्ट इन देयर लैंडस्केप. बिहार इज़ द फॉरेस्ट डेफिशिट एरिया, तेलंगाना इज रिलेटिवली ड्रायर एरिया वेयर देयर इज एम्पल स्कोप ऑफ कम्युनिटी स्कोप फॉर कम्युनिटी लाइवलीहुड एनहांसमेंट एंड केरला इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी. टारगेट क्या है टारगेट क्या सेट किया है यहाँ पे, 1,20,000 हेक्टर्स ऑफ द लैंड अंडर इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट, न्यू इको इंक्लूसिव इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्थ $12 million, मेजरेबल बेनिफिट्स accrued टू 8 lakh हाउसहोल्ड, 3 इंसेंटिव्स मैकेनिज्म डेमोस्ट्रेटेड इन द मैनेजिंग लैंडस्केप फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज. 13th टॉपिक है हमारा क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैप के बारे में यहाँ पे. सो ये यहाँ पे दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्विस एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड कोऑपरेशन SDG, इन्होंने ये डेवलप किया है अंडर जॉइंट प्रोजेक्ट है इनका वाला. ये मैप क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट मैप इन्होंने डेवलप करने का प्लान किया है यहाँ पे. सो ये 3 ध्यान में रखना, DST मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन SDC. सो ये दिस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ DST इज बीइंग इंप्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन फॉर द सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. सो इतना ध्यान में रखना आप किसने इम्प्लीमेंट किया था और ये किसके अंडर में आता है. क्वेश्चन ऑप्शन 14 है हमारा यहाँ पे.
मुझे आदत पड़ गई है कि क्वेश्चन नंबर बोलने की। हमारा 14 टॉपिक है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम द डीफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम्स के बारे में है। द रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन, द रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेड प्लस, इसका ये फुल फॉर्म है प्रोग्राम का। बींग कैरिड आउट इन द हिमालयन स्टेट जॉइंटली बाई द इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल July 2020। सो ये प्रोग्राम लॉन्च किया था 2016 में जनवरी में, एड्रेस द डाइवर्स एंड डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इन इंडियाज हिमालयन स्टेट। बैकग्राउंड में कुछ दिया है रेड प्लस प्रोग्राम के बारे में, इनिशिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2005 टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज थ्रू एनहांस फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। इट एम्स टू क्रिएट इंसेंटिव्स फॉर द कम्युनिटी सो दैट दे स्टॉप फॉरेस्ट डिग्रेडिंग प्रैक्टिस। मोर देन 300 रेड प्लस इनिशिएटिव हैव टेकन ऑफ सिंस 2006। द मैकेनिज्म हैज़ बीन एनश्राइन इन द पैरिस एग्रीमेंट 2015 एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज transitioning from smaller isolated project to larger jurisdictional programs with the support from the bilateral and multilateral agency। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो India's Red Plus strategy क्या है। Complying with the UNFCCC decision on Red Plus, India has prepared its national Red Plus strategies। The strategy build on existing natural circumstances which have been updated in line with the India's National Action Plan on Climate Change, Green India Mission and India's National Determined Contribution NDC to UNFCCC. The strategy report has been prepared by the Indian Council of Forest Research Education ICFRE Dehradun। सो अबाउट रेड प्लस के बारे में यहाँ पे दिया है, ये मैकेनिज्म है डेवलप बाय द पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। इट क्रिएट्स अ फाइनेंशियल वैल्यू फॉर द कार्बन स्टोर्स इन फॉरेस्ट बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस इमिशंस फ्रॉम फॉरेस्ट लैंड्स एंड इन्वेस्ट इन लो कार्बन पैथ्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट फॉर द रिजल्ट बेस्ड एक्शन। रेड प्लस गोज बियॉन्ड सिंपली डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड इंक्लूड्स द रोल ऑफ द कंजर्वेशन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। तो यहाँ आप ये डिटेल में पढ़ सकते हो, यहाँ पे रेड प्लस के बारे में यहाँ पे दिया है इमेज में, और रेड प्लस यूएन रेड प्लस प्रोग्राम के बारे में दिया है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हो। मैं एक बार ये जूम करता हूँ, आप पॉज करके इसे, होप आपको विजिबल होगा, पॉज करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोनों प्रोग्राम के बारे में। सो ये इसके बाद में हम 15 टॉपिक जो हमारे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा के बारे में दिया है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एंड फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा इन 2001। इन 2016 एडोक कैंपा वॉज एस्टैब्लिश फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। और ये कैंपा एक्ट के बारे में यहाँ पे दिया है, मैं एक बार जूम करता हूँ, या दिस इज होप यू आपको विजिबल होगा, ये कैंपा एक्ट के बारे में यहाँ दिया है। कॉम्पेंसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम विद अ वेल डिफाइंड एक्ट नोन इज अ कैंपा कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। द लॉ एस्टैब्लिशेज द नेशनल कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। ये इसे फंड विल रिसीव पेमेंट फॉर द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फॉरेस्ट एंड अदर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पेमेंट। ये 10% फंड रिसीव करता है एंड स्टेट विल रिसीव द रिमेनिंग 98% स्टेट को मिलता है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट प्रोविजन द कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट एंड लैंड मस्ट प्रोवाइड द अल्टरनेटिव लैंड टू मेक द कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन। ये एक्ट आल्सो सीक टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एंड स्टेट कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी टू मैनेज द फंड। इसके बारे में यहाँ पे दिया, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑन विच ऑफ द फंड कैन बी यूटिलाइज विल बी फॉर द कॉम्पेंसेटरी
अफॉरेस्टेशन, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, असिस्टेंट नेचुरल रीजनरेशन, फॉरेस्ट फायर कंट्रोल ऑपरेशन, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन वर्क्स इन द फॉरेस्ट, इंप्रूवमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मैनेजमेंट ऑफ द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, रिसर्च इन द फॉरेस्ट एंड मॉनिटरिंग कैंप वर्क्स एट्सेट्रा। इस इन एक्टिविटीज़ में ये इसको यूटिलाइज करते हैं ये फंड को। सो आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। कैंप फंड कैन नॉट बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंसेज, मेडिकल एक्सपेंसेस, इसको नहीं दिया जाता है ये फंड। ये जो ऊपर में दिए हैं ना कुछ एक्टिविटीज़, सो इस इन्हीं के इन्हीं पर यूज़ किया जाता है ये कैंप का जो फंड होता है। इसके बाद में ऑप्शन हमारे 16 टॉपिक पे आते हैं, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। हमारे जो 16 टॉपिक है, एनवायरनमेंट असेसमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस यूज टू प्रिडिक्ट द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया स्टैट्यूटरी बैक्ड बाय द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986, ये ध्यान में रखना, विच कंटेन्स वेरियस प्रोविजन्स ऑन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथोडोलॉजी एंड प्रोसेस। रैशनल बिहाइंड अबाउट दिस प्रोजेक्ट के बारे में क्या रीज़न दिया है, लुक इन टू द वेरियस प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स नेचुरल रिसोर्सेज कॉन्स्टेंट विच मे नॉट ओनली अफेक्ट द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बट ऑल्सो प्रेडिक्ट इफ द प्रोजेक्ट माइट हार्म टू द पीपल, देयर लैंड, लाइवलीहुड्स, एनवायरमेंट। वंस दिस पोटेंशियल हार्मफुल इम्पैक्ट एंड प्रेडिक्टेड, द EIA प्रोसेस आइडेंटिफाइज द मेजर्स टू मिनिमाइज दोज इम्पैक्ट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द EIA क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट प्रायर टू टेकिंग द डिसीजन ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मिटिगेशन ऑफ हार्मफुल इम्पैक्ट्स एंड मैक्सिमाइजेस द बेनिफिशियल इम्पैक्ट। और वंस द असेसमेंट इज कम्प्लीट, द EIA फाइंडिंग्स द कम्युनिकेटेड टू ऑल स्टेक होल्डर्स, डेवलपर, इन्वेस्टमेंट, रेगुलेटर्स, प्लानर्स, पॉलिटिशियंस, अफेक्टेड कम्युनिटी एट्सेट्रा। उसके बाद में नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 के बारे में यहाँ पे दिया है। ये अप्रूव किया गया था बाय द गवर्नमेंट एंड विसाज एज एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल एंड 5% ब्लेंडिंग ऑफ बायोडीजल इन डीजल बाय 2030। 20% ब्लेंड करने किया गया था, टारगेट किया था इथेनॉल को इन पेट्रोल में, और 5% ब्लेंड करने वाले थे बायोडीजल में, बायोडीजल को इन डीजल में 2030 तक। ये इसे प्लान किया गया था, टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल साइलेंट फीचर, ये कुछ फीचर्स है, कैटेगराइजेशन किया गया है यहाँ पे इसका। द पॉलिसी कैटेगराइजेस बायोफ्यूल्स एज अ बेसिक बायोफ्यूल्स, फर्स्ट जनरेशन होता है जिसमें बायो इथेनॉल एंड बायो डीजल एंड एडवांस बायोफ्यूल्स होता है, सेकंड जनरेशन इथेनॉल, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट टू ड्रॉप इन फ्यूल्स, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में क्या होता है, बायो CNG एट्सेट्रा। टू एनेबल द एक्सटेंशन ऑफ द अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंसेंटिव्स अंडर ईच कैटेगरी। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखना, फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है, सेकंड जनरेशन में क्या होता है, थर्ड जनरेशन में क्या होता है, इसको स्कोप ऑफ द रॉ मटेरियल यहाँ पे दिया है, मतलब कौन कौन से यहाँ पे यूज़ करते हैं स्कोप, शुगर केन करते हैं, शुगर जूस होता है, शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर, बीट, स्वीट सॉर्गम, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक कॉर्न्स, डैमेज फूड ग्रेन्स, वीट, ब्रोकन राइस, रोटन पोटैटोज, अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन ऑफ द इथेनॉल प्रोडक्शन, ये अनफिट होते हैं इसलिए इसका अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करने के लिए इसमें ये ब्लेंड करके इसका ये बायोफ्यूल्स बनाएंगे। सो प्रोटेक्शन टू द फार्मर्स यहाँ पे दिया है, यूज़ होगा सरफस फूड ग्रेन्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और ब्लेंड किया जाएगा इसमें विद पेट्रोल में विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल बायो फ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी, इनकी कमेटी के अप्रूवल के बाद में। और वायबिलिटी गैप फंडिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरीज होंगे 5000 करोड़ का इन 6 ईयर, एडिशन टू एडिशनल टैक्स इंटेंसिव, हाइस्ट परचेस प्राइस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स होता है, ये बूस्ट करेगा बायोडीजल प्रोडक्शन को। और एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या दिए यहाँ पे, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी रिड्यूस होंगी, जो अदर कंट्री से हम इम्पोर्ट करते हैं पेट्रोल वगैरह बहुत सारा, मतलब हमारे इंडिया में कंजम्पशन बहुत है, क्लीनर एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्लीन करने में यहाँ पे
इसका फ़ायदा होगा, हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि क्योंकि फार्मर्स जो होते हैं ना, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होंगे, जो जो बच जाता है हमारा, लाइक गन्ने का जो ये होता है वेस्ट मटेरियल, उससे ये बायो फ्यूल हम यहाँ पे डेवलप करेंगे। सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एडिशनल इनकम होंगी फार्मर्स के लिए बाय अडॉप्टिंग 2G टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर रेसिड्यू वेस्ट कन्वर्टेड टू एथेनॉल एंड कैन फेच द प्राइस ऑफ दिस वेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोफ्यूल्स के बारे में यहाँ पे दिया है, जो मैंने ऊपर पढ़ा था, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स, इसमें इसे कन्वेंशनल बायोफ्यूल्स भी कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स को। दे मेड अप फ्रॉम, ये किससे बनता है, शुगर स्टार्च वेजिटेबल ऑयल, इससे बनता है। एंड सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम द सस्टेनेबल फीड स्टॉक, जो फीड स्टॉक होता है ना, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फीड स्टॉक इज डिफाइंड बाई इट्स अवेलेबिलिटी, जो लैंड यूज जो यहाँ पे सेकंड जनरेशन फ्यूल्स होते हैं, दे आर नो लॉन्गर यूजफुल फॉर द कंजम्पशन, जो कंज्यूम नहीं कर सकते ह्यूमन बींग्स, उसे सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स में यूज़ किया जाएगा। इसे एडवांस बायोफ्यूल्स भी बोलते हैं, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को। एंड थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स में होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम द अलगी, जो अलगी होता है उससे ये जनरेट होता है, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स। सो ये अलग अलग कैटेगराइजेशन दिए, आप एक बार पॉज करके इसे पढ़ लो अच्छे से। सो यहाँ पे 18 टॉपिक है हमारा। एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ETS गुजरात ने लॉन्च किया था, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रेडिंग प्रोग्राम टू कॉम्बैट पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन। द एमिशन ट्रेडिंग स्कीम ETS द वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स एनवायरमेंट डे 2019 में यहाँ पे इसको लॉन्च किया था। की फीचर्स क्या है इस प्रोग्राम के, इट इज़ मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर द गवर्नमेंट सेटअप अ कैप ऑन एमिशन एंड अलाउज इंडस्ट्री टू बाय सेल परमिट टू स्टे बिलो द कैप and being initiated in Surat by the Gujarat Pollution Control Board GPCB. The Gujarat program is the first in the world to regulate particulate air pollution. ये first है पूरे दुनिया में गुजरात का जो प्रोग्राम है। इसके बाद में 19th टॉपिक है हमारा, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन FLR ऑन एंड बॉन्ड चैलेंज के बारे में है। सेंटर ने लॉन्च किया था फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑन एनहांसिंग कैपेसिटी ऑन फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड बोन चैलेंज इन इंडिया थ्रू पायलट फेज में किया था 3.5 साल के लिए। इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र नागालैंड कर्नाटका में हुआ था ये पायलट बेसिस में, अभी तक इसे फुली इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और ये बैकग्राउंड में क्या दिया है, यहाँ पे UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 2015 में पेरिस में हुई थी, इंडिया ने ज्वाइन किया था वॉलंटरी बॉन्ड चैलेंज प्लेस टू ब्रिंग इनटू रेस्टोरेशन 13 बिलियन हेक्टर्स ऑफ द डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेटेड लैंड बाय द यूज ऑफ 2020 एंड एडिशनल 8 बिलियन हेक्टर्स बाय 2030। इंडियाज़ प्लेज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, जो हमने प्रतिज्ञा ली थी वो लार्जेस्ट थी। और व्हाट इज़ बोन चैलेंज, बोन चैलेंज के बारे में दिया है यहाँ पे, व्हाट इज़ FLR अप्रोच, बोन चैलेंज क्या है, इज़ अ ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डीफॉरेस्टेटेड एंड डिग्रेडेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन बाय 2020 एंड 350 मिलियन हेक्टर्स बाय 2030। ये कुछ टारगेट है ग्लोबल बोन चैलेंज में। एंड 2020 टारगेट वॉज लॉन्च एट द हाई लेवल इवेंट इन बॉन इन 2011 ऑर्गेनाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ द जर्मनी एंड ICN एंड वॉज लेटर एंडोर्स एंड एक्सटेंडेड टू 2030 बाई द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट ऑफ द 2014 UN क्लाइमेट समिट। सो ये न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉरेस्ट ध्यान में रखना। उसके बाद में है बॉन चैलेंज इज एन इम्प्लीमेंटेशन vehicles for the natural priorities such as water, food security, rural development, while simultaneously helping countries contribute to the achievement of the international climate change, biodiversity and land degradation commitments. Underlying the bond challenge is the forest landscape restoration approach, which aims to restore the ecological integrity at the same time improving the human well-being through multifunctional landscape. FLR ke bare mein diya hai, what is FLR? Forest landscape restoration is the ongoing process regaining ecological functionality and enhancing the human well-being across the deforested and degraded forest landscape. FLR is more than just planting trees, it is restoring the whole landscape to meet the present and future needs. It is long-term because it requires multi-year visions of the ecological functions. The majority of the restoration of opportunity are found on adjacent agriculture or pastoral land. In this situation,
restoration must completed not displace existing land uses. These result in the mosaic of different land use including agriculture, agroforestry system and improve ecological corridors. So ये 19 टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आज, और इसके बाद में हम यहाँ पे एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में ये एक सेकंड पार्ट्स में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ये फर्स्ट पार्ट था. अगर आपने मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बनाई है वहाँ पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच. गुड नाइट.